कर्नाटक का सकलेशपुर इलाका, वहाँ का छोटा सा गांव है डोड्डा नागरा। आवाज इंडिया टीवी की टीम वहाँ पहुँची ये जानने के लिए कि कर्नाटक के लोग धम्म दीक्षा लेने के बाद कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है या कैसे उन्होंने अपने पुरानी सोच को बदला है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई उपासक नागसेन और उनकी पत्नी गौतमी से। उपासक नागसेन लोगों को धम्म दीक्षित कर रहे हैं, धम्म की उपासना भी कर रहे हैं और कर्नाटका के लोगों को नई दिशा भी दे रहे हैं। खुद बेंगलोर से धम्म दीक्षा लेने के बाद हजारों लोगों को बौद्ध धम्म का मार्ग दिखाकर उनके जीवन नई रोशनी दे रहे हैं। जानते हैं उपासक नागसेन के बारे में। जय भीम, नमोदय। आज हम लोग सकलेशपुर में है। आज सुबह से हम लोग ये बौद्ध धर्म और अम्बेडकरवाद का जो प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है कर्नाटक में, उसका फैक्ट चेक से हम थोड़ा सा हट गए, अभी रियलिटी चेक में आएंगे। वेदर द बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड आर नॉट, वेदर दिस पीपल आर ए लेबल बुद्धिस्ट आर ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, ये इसके विचार में हम लोग खुद गाँव ये रियलिटी चेक करने के लिए गाँव में आया। हम लोगों ने गाँव में ऐसे एक जगह पे आया, एक शुरुआत में ये बौद्ध धर्म कैसे शुरुआत हुआ इधर ये गांव में, इसके बारे में एक वेरी इम्पॉर्टेंट अनुभवी एक व्यक्तित्व है, ये भाई साहब है। भाई साहब का नाम है नागसेन। ये उसका इतिहास, ये कैसे शुरुआत हुआ, ये बौद्ध धर्म का इधर से प्रचार प्रसार कैसे शुरुआत हुआ, उसको कैसे अमल किया पहले, वो बौद्ध धर्म को पहले उसको इंट्रोडक्शन किसने दिया, कैसा हुआ, उसके बारे में डिटेल वो चर्चा। और उसके हिंदी भी बोलते हैं क्योंकि वो डिफेंस में था और उसके बाद वो पुलिस नौकरी भी किया इधर, और पूरा ये धर्म प्रसार के बारे में बाबा साहब के विचारों को, आइडियोलॉजी को कैसे प्रचार प्रसार कर रहे, उसके बारे में बात करेगा नागसेन भाई साहब ने। सर, आपका परिचय दीजिए और इधर ये कैसे प्रचार प्रसार आइडियोलॉजी कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए सर। नमस्ते, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं 26/1954 में जन्म हुआ था, यही गांव में दोड्डा नागरा करके बोलता है इस गांव को, इधर ही जन्म हुआ था। मैं SSLC तक सकलेशपुर में पढ़ाता हूँ, उसके बाद PUC पढ़ने के लिए आसन जिला सेक्शन में जाता हूँ। जिला सेकेंड PUC पढ़ते समय फीस भरने को बहुत मेरे को तकलीफ होता है, उस समय पर मैं फौज में भर्ती हो गया, नौकरी में भर्ती हो गया, बेंगलोर महल में भर्ती हो गया। उसके बाद मैं MEG सेंटर करके है डिफेंस में, इंजीनियर डिफेंस, उसमें चला गया मैं। उसके बाद मैं सर्विस करता ही मेरे को एक मौका मिला लेह लद्दाख में जाने का सर्विस में। उस टाइम पर उधर महार रेजिमेंट मेरे को मिला, महार रेजिमेंट मेरे को सचिन ग्लेशियर बेस कैंप में मिला। उधर उन लोग बाबा साहेब को और बुद्धा जयंती दोनों इकट्ठा कर रहे थे, मैं उधर ही था, जनरेटर इंचार्ज था। उसके बाद मैं उन लोगों का कैंप में गया उस दिन, वो देख को मेरे को बहुत आश्चर्य हो गया, ये दोनों फोटो रख के क्यों इन लोग पूजा कर रहा है करके। उसके बाद वो पूजा होने के बाद मैं एक आदमी को पूछा, क्यों आप लोग कैसा कर रहा है, फिर बाद में मेरे को बता दिया बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लिया है इसलिए हम लोग भी चला गया, पूरा हम लोग बुद्धिस्ट बन गया, ऐसे बोला। फिर मेरे को एक हिंदी किताब दिया, वो मैं पढ़ लिया। पढ़ने के बाद वो 3 महीने के बाद मेरे को लेह में पोस्टिंग हो गया। लेह में उधर विहार है, बुद्ध का बहुत इतिहास भी है उधर, मतलब बुद्ध का फॉलोअर्स बहुत है, पूरा बुद्धिस्ट है। उसके बाद मैं टेंपल में चला जाके उन लोगों का साथ पूजा के लिए 1-2 बार अटेंड किया, मेरे को दिल पसंद आ गया, मतलब मेरा मन उधर जो आइस जैसा पिघलता है ऐसा हो गया। उसके बाद वो सर्विस ख़त्म होने के बाद 1992 में मैं वापस घर में आ गया पेंशन होके। ये 92 में मेरे को ये याद आ गया मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, कैसा करना, मेरे को फ्रेंड्स से थोड़ा बात किया,
उसके बाद महाबोधि है बेंगलोर में, ऐसे बोला। फिर हम लोग फैमिली के साथ उधर जाके दीक्षा लिया, आनंद बंते जी संघ सेना बंते जी करके मेरे को दीक्षा दिया। वो अभी ले में है, वो उपासन सेंटर खुल के उधर है, मेरे को मिलता है, कभी कभी मिलता है, फ़ोन भी करता है, पूछता रहता है, ऐसा मेरा संपर्क है। और महाबोधि में 92 में मैं दीक्षा लेने के बाद कंटिन्यू उधर चला गया। कंटिन्यू मतलब प्रैक्टिस करने का, उन लोग पूजा कैसा करता है वो प्रैक्टिस करना है, मेरे को भी दिल आ गया कि उसको हम सीखना है करके। उसके बाद मैं उधर बड़ा बंते जी था उसके साथ मैं बातचीत किया, हमको महीने महीना या नहीं आ सकता है, आप लोग कैसा करना है, मेरे को एक किताब देना है बुद्धिस्ट का पूजा करने का, ऐसी बोला। फिर बाद में उन लोग भी सोच लिया, सोचने के बाद मेरे को एक पूजा का किताब प्रिंट करके मेरे को दे दिया, 50 ऐसी करके दे दिया। उसके बाद मैं वो किताब लेके मेरा फॉलोअर्स इधर भी बुद्धिस्ट बनने को मैं कोशिश कर रहा था गांव में। उन लोग बंते जी से बात करके, आनंद बंते जी एक है सेक्रेटरी, उससे बात करके, बड़ा बंते जी से बात करके इधर 5 दीक्षा समारंभ किया दोड्डा नगर में। 5 दीक्षा समारंभ में अपना जिला का बगल वाला जिला बेंगलोर, मैंगलोर, मडिकेरी, चिकमंगलोर, बेलोर, ऐसा करके गांव में पूरा सराउंडिंग एरिया कितना डिस्ट्रिक्ट है, वो मंडिया वाला भी, मैसूर भी, ऐसा आके इधर दीक्षा लिया। तो मेरे को बहुत खुश हो गया, सिरा एकदम 500 फैमिली, 500 फैमिली तक हम लोग दीक्षा दिया, इधर दीक्षा समारंभ किया 5 इसमें। उसके बाद मेरे को इसको और आगे बढ़ाना है अपना आदमी को, तो इसलिए मैं क्या किया, दीक्षा लेने के बाद इन लोगों के लिए पक्का प्रैक्टिस करने को, तो इन लोगों का ऊपर मेरे दबाव डाल दिया। दबाव मतलब डेली प्रैक्टिस करना है और पूर्णिमा का दिन पूजा भी करना है, ध्यान भी करना है, पूरा सीख लिया। मैं भी सीखना है, इन लोग भी सीखना है, इसलिए मैं पब्बजा किया, 18 पब्बजा किया, एक एक साल में एक एक पब्बजा होता है महाबोधि में। मैं 18 साल तक पब्बजा किया, उसके बाद 2 उपासन भी मिल गए मेरे को। जो दूसरा उपासन अपना विनय रखिता बन थे उसका साथ किया मैं, वो भी बहुत खुश हो गया, उपासना आप 2 बार लिया है करके। मेरे को ध्यान का मार्ग में जाना था, ध्यान का मार्ग में बौद्ध धर्म को देखना था, इसलिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद हम लोग की मैं क्या किया, इधर प्रैक्टिस करने को छोटा छोटा बच्चे को संडे संडे इधर आके किताब उन लोगों के हाथ में दे के बैठ करने को देते गया। इसलिए इस गांव में कितना 60% दीक्षा लिया है, वो होने के बाद इन लोग क्या किया, बच्चे को पूरा सिखा लिया, इधर आके मेरा विहार में सिख रहा था वो, एक एक करके ये बैठ हो गया, अभी पूजा पूरा बोलता है, पूरा बच्चा लोग बोलता है, ऐसा हो गया ये माहौल, पूरा बुद्धिज़्म का ये हो गया माहौल, बाबा साहेब का रूट में कैसा जाना है इन लोग सीख लिया। सीखने के बाद इन लोग दीक्षा लेने के बाद शील आचरण करने का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये एकदम शील को आने को इन लोग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लेबर है और डेली इन लोग का काम भी करना है, पेट भी भरना है, बच्चों को पालना है, इसलिए एक एक शील को तोड़ भी सकता है, लेकिन हम लोग को उसके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि आगे उन लोग ठीक करेगा, ठीक करके वो आगे बढ़ेगा। फिर बाद में हम लोगों के, इन लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, उसका बारे में सोच लिया मैं, खुद एक एक घर को जाके उन लोगों को बोल दिया RD ओपन करो, कितना हो सकता है, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे ही करो महीने में करके। मेरा वाइफ को उसको नियुक्त किया, उन्होंने कलेक्ट कर रहा था, उन्होंने कलेक्ट करके 5 साल तक उन लोगों के लिए सेव करके दे दिया। फिर बाद में वो अमाउंट जितना हो गया उसको मैं बोला एक फिक्स करेंगे और 5 साल, वो 5 साल होने के बाद डबल 2 गुण होने का चांस था उस टाइम पर। इन लोग क्या किया, ये बातचीत होता है ना, 10-15 आदमी बीच में मिल जाने से
एक अच्छा रूट भी दिखाता है, एक गलत रूट भी बोलता है। इसलिए उन लोग गलत रूट सोच के एल आई सी में पैसा डालेंगे करके वो पूरा पैसा उन लोगों के एल आई सी में डाल दिया। मेरा सोच अलग था, इन लोगों के लिए एक बस लेंगे या एक बड़ा ये कल्याण मंडप ऐसा बनाएंगे, इन लोगों के आएगा पैसा उसमें इन लोग जी सकता है, ऐसा सोचा था। लेकिन इन लोगों के उसको रास्ता नहीं छोड़ा, फिर बाद में मैं उसको भी दिल नहीं छोड़ा है और रास्ता भी नहीं छोड़ा है, ठीक है इन लोग जाने दो ऐसा करके सोच के प्रैक्टिस करके बौद्ध धर्म को इतना दूर लाया है और भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, अपना अगल बगल वाला प्रैक्टिस कर रहा है। सो इन लोग थोड़ा शील का थोड़ा एक एक को नई आचरण करने का वजह से जितना बैकवर्ड था आदमी लोग, उन लोग क्या किया बैक हो गया। मतलब हम बुद्धिस्ट में जाने से क्या है, इधर के रहने से क्या है, दोनों इक्वल है ऐसे करके सोच के ऐसा थोड़ा ठप हो गया, मतलब थोड़ा बैक हो गया। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस नहीं छोड़ा है, हम लोग आगे बढ़ रहा है, ठीक है अभी नहीं कहीं भी इन लोग का आएगा करके हम लोग सोच रहा है। लेकिन मेन रीज़न है हम लोग बौद्ध धर्म को इतना डिले होने का, जी कांसराम जी एक बात बोला था 2012 में हम लोग दीक्षा लेगा ये बौद्ध धर्म को जाएगा करके बोला था, लेकिन वो इच्छा पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका वजह से हम लोग को बौद्ध धर्म को थोड़ा इफेक्ट हो गया, ये का मेन रीज़न है। नहीं तो हम कांसीराम जी इधर बेंगलोर में आते समय हम लोग बोला था दीक्षा लेने के लिए एक ऑर्डर हुक्म दे दो, पहले दीक्षा लेने दो, बाबा साहेब का रास्ते में आने दो, उसके बाद इन लोग ठीक हो जाएगा करके हम लोग बोला था। लेकिन वो माना नहीं, पहले हम लोग राज पकड़ना है उसके बाद हम लोग करेगा। मतलब अशोक चक्रवर्ती ने क्या किया था, वो राजभर था, इसलिए प्रजा को उन लोगों को ऑर्डर दे दिया बौद्ध धर्म स्वीकार करना करके, वो कर लिया। कांसीराम जी भी ऐसा किया, सोचा हम लोग अधिकार पकड़ने के बाद हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करेंगे। बद्दे जी आने से कहाँ देवलोक से आया है ऐसा करके वो इधर आ रहा था, लेकिन अभी कॉमन हो गया, मतलब उधर भी रहने से क्या है, इधर भी रहने से क्या है, ऐसा हो गया। क्योंकि अपना बुद्धिस्ट का थोड़ा लोग ये शील आचार नहीं करने से ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं छोड़ा है, यही रास्ता में हम जा रहा है, सोच रहा है आगे भी ऐसी बढ़ाएंगे, सबको यही बताएंगे बौद्ध धर्म स्वीकार करो, आपका जीवन परिशुद्ध हो जाए करके हम बताएंगे। मेरा एक प्रश्न सर आपसे। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया ये जो प्रगति है ये बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, इधर का लोगों का आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पहले कैसी थी और धर्म अपनाने के बाद क्या स्थिति है अभी? धर्म आने के बाद इन लोगों का शील के बारे में हम बताया ना पहले, उस शील को एक एक को तोड़ रहा था, एक तोड़ने के बाद इन लोगों क्या किया, थोड़ा पैसा को जमा किया। मतलब पहले इन लोग को एग्जाम्पल पीने का आदत था या बीड़ी सिगरेट से उस स्मोकिंग का आदत था, वो छोड़ दिया पूरा। फिर बाद में बीच में उन लोगों का जो बुद्धिस्ट नहीं बनाया उन लोगों का वजह से क्या हो गया, इन लोग भी थोड़ा पीने गिने का शौकी मत फिर शुरू किया, इसका वजह से उन लोगों का आर्थिक थोड़ा कुंठित हो गया। अभी थोड़ा सुधार रहा है, अभी हम गलत है रास्ता करके फिर उन लोग सुधार होके थोड़ा आर्थिक में अभी परवाह नहीं है। अभी देख सकता है गांव में 8 आरसीसी बिल्डिंग बन गया, पहले झोपड़ी था, अभी बुद्धिस्ट होने के बाद 8 बिल्डिंग हो गया, आरसीसी बिल्डिंग बना के इन लोग है, और गांव में 40 तक ऑटो है, ऑटो चलाता है, सब बुद्धिस्ट है। और बच्चों को भी हमने रास्ता दे किया कॉन्वेंट में पढ़ाना है करके, मेरा बच्चा को भी उधर ही डाला था। फिर बाद में इन लोग भी बोला, मैं पहले नहीं जाता था इन लोग, फिर मैं जाने के बाद इन लोग को रास्ता दिखाया, ये कॉन्वेंट में डाल दो, पैसे नहीं कुछ नहीं, उधर अच्छा शिक्षण है करके बताया, फिर कॉन्वेंट में पढ़ाई किया। और मैसूर महाबोधि में भी इन लोग पढ़ने को जगह दिया बड़ा बंते जी ने,
पांच दिया का दिया गया करके बोला था, फिर बाद में उसको मैं उसका पीछे लग गया, बड़ा बंते जी का पीछे, आप ऐसा करने से नहीं चलेगा, अपना समाज को आगे बढ़ाना है करके, क्रिश्चियन मिशनरी देखो तो हम भी ऐसा बढ़ाना है, इसलिए पढ़ने को आप और भी चांस देना करके बोला। मेरे को 21 साल में 27 बच्चे को उधर ज्वाइन करने को परमिशन दे दिया था, यही खुशी की बात है। अभी उस बच्चे में एक बच्चा IAS पढ़ रहा है, वो हमको बहुत खुश है ये गांव से। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अपना जो बहन और माँ का जो लेडीज है, वुमन फोक्स है, उसका स्थिति कैसा है? अच्छा है अभी, धार्मिक धार्मिक पहले है वो एडजस्ट हुआ क्या? जैसे हिंदू धर्म से एकदम ये दूसरा धर्म पे आने के वक्त थोड़ा सा वक्त लेता है, लेकिन अपना जो इधर का जो माँ बेटी है और बहन है, वो लोगों का कैसे सुधरा हुआ है, सुधारा है उसका जिंदगी कैसे सुधारा है? इधर इलाका ऐसा है, लेबर इलाका है, ये मजदूर के लिए जाने से उन लोगों का पेट भरता है, जैसा मतलब पहले लेबर जाने से उन लोग बहुत नीच दृष्टि से देखता था, अभी ऐसा नहीं देख सकता है, इन लोग बात करता है ऐसा बोलने से, और इन लोग का वेयरिंग ऑफ ड्रेस भी बदल गया, मतलब पहले लेडीज ऐसा करके ये नाट लगा के बांधता था, अभी ऐसा नहीं लगाता है, और ये कुमकुम लगाता था, हम लोग कुमकुम लगाओ करके प्रेस भी किया था, उसके बाद उन लोग क्या किया, ये ब्लू कलर साधु रखता है, वो अलग दिखाता है, हम ये बुद्धिस्ट करके वो भी एक चैलेंज का जीवन कर रहा है, और उसका संबंध माँ और बेटा का संबंध, बहन का संबंध, और बगल वाला घर वाला संबंध बहुत अच्छा है, ये लेडीज़ के बारे में बहुत अच्छा है, उन लोग भी बोलता है, एग्जाम्पल अभी मेरा वाइफ है, आपका साथी बोला पूजा बहुत अच्छा बोलता है, इसलिए हम लोग पूजा को बोलने से बैठने से जैसा महाराष्ट्र में लेडीज आगे रहता है, इधर भी ऐसा अपना लेडीज बच्चे पूरा बोलता है, पूरा प्रैक्टिस करता है। और ये जो रियलिटी फैक्ट आप शायद देख रहे हैं, वो नागसेन साहब ने आपको समझा रहे हैं, ये गांव से कैसे शुरुआत हुआ, अभी आगे कैसे तरक्की कर रहा है, ये जो गांव है, ये बैकेरे दोडनागरा एक एग्जाम्पल है एक्चुअली रियली। ये जो लोग जो बौद्ध धर्म को अपनाया, बाबा साहब को अपनाया, अपनाने के बाद अमल कर रहा है, और दूसरी जो गांव है ना, ये जो आग है ना, फैल रहा है, शायद आपको यकीन नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं ये सकलेशपुर का जो तालुक में, जहाँ पर ये काफ़ी एस्टेट एरिया है, उसमें जो मजदूर लोग हैं, लेबर से सबसे ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे नहीं है इधर, लेकिन ज़्यादा जो आपको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है अपने समाज का है, नंबर वन है इधर, लगभग 80,000 लोग हैं, बाकी उसको मैच भी नहीं कर सकते, इतना 40,000 है, 42,000 ऐसे नीचे है, लेकिन इतना बड़े समाज देखा जाए तो ये जो बुद्धिज़्म का जो कर्नाटक में जो फ्लरिश हो रहा है ना, हर साल मैंने देखता हूँ बस में जो लोग आते हैं कर्नाटक से, मैं पूछता हूँ कैसे आप प्रेरित हो गए नागपुर आने के लिए, वो एक प्रश्न पूछता हूँ, दो उत्तर देता है, एक पहला उत्तर बोलता है मैं बहुजन समाज ये जो चळवळी है, जो कांशीराम साहब का जो चळवळी शुरू की है ना, वो जो कैडर कैंप के उसके वजह से इंस्पिरेशन हुआ, मैं बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आता हूँ। दूसरा अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं दोडनागरा और ये बैकेरे, ये जो गांव है ना, ये एग्जाम्पल सेट किया सकलेशपुर में, वो लोग जो फॉलो कर रहे हैं, वो जो तरक्की हो रहा है सामाजिक और आर्थिक में, उसकी वजह से हमको भी अच्छा लग रहा है ये धर्म अपनाने से, हम भी आगे बढ़ेंगे ऐसे, ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आज का जो आज ये जो बैकेरे और नागरा दोडनागरा में जो हम लोग आया, अभी तक ये जो इतिहास है इसके बारे में जो नागसेन अपना भाई बड़ा भाई साहब ये नागसेन साहब ये इतने हमारे लिए ब्रीफ किया, उसको उसका परिवार को मैं जय भीम शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम ये बातचीत करते जा रहे हैं, हम लोग बीच में ये नागसेन भाई साहब का
धर्मपत्नी भी है, हमारा बहन भी है, उसका नाम गौतमी है, उसका अनुभव भी शेयर करना चाहता हूँ। उसका 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 एक्सपीरियंस, जैसे पहला हिंदू था बौद्ध होने के बाद, ये क्या फ़र्क है? उसके साथ शादी होने से पहले, शादी करने के पहले वो हिंदू था, शादी करने के बाद भी हिंदू था, उसके बाद अभी जो जिंदगी जी रहा है उसके बारे में एक दो शब्द बोलना मैं चाहता हूँ। बहन जी, नहीं अक्का, नहीं मातड़ी, निम्गे ऐन अनिस्तदे, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳಿ, ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮೊದಲು ಜೀವನ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದರೆ. ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿಷ್ಟು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಮಾರಿ ಜೋ ಜಿಂದಗಿ ಹೇ ಬಹುತ್ ಬತ್ತರ್ ಸೆ ಜಿಂದಗಿ ಥಾ, ಹಮ್ ಲೋ ಕೀಡೆ ಮಕೀಡೆ ಸೆ ಭಿ ಬಹುತ್ ಜಿಂದಗಿ ನೀಚೆ ಜಿಂದಗಿ ಜೀ ರಹಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಬೌದ್ಧ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸುಖವಾಗಿದ್ವಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಗಸರು ಗಣಕರು ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಊರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಬೈಕೇರಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅಭಿ ಏ ಜೊ ಬಹನ್ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಬಡಿ ಬಹನ್, ये जो हम लोग पहले अलग था, झगड़ा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये बौद्ध होने के बाद हम इतना अच्छी तरह रह रहे हैं, मिलके जुल के रह रहे हैं, आज तक ऐसा जो क्या बोलते हैं झगड़ा वगैरह होने का, आपस में लड़ाई करने का वैसे चीज़ नहीं हो रहा है इधर। सुख शांति से ये दो दो गांव है अच्छी तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, सुखवागिदीवि मक्कळु नावु नम्म यजमानरु एल्लरू चेन्नागिदीवि, चेन्नागि पूजे माड्कोंडु सुखवागिदीवि। हाँ, हम लोग तो पूरा अपना परिवार, अपना बच्चे के साथ साथ हम वंदना वगैरह ले रहे हैं, और हर वक्त हमको मौका मिलता है, पूजा वंदना वगैरह करते हैं, और सुख शांति से हम जिंदगी जी रहे हैं, और आगे भी हम लोग बहुत सारे काम करेंगे। नागसेन भाई साहब आपके हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, हम भी उसके साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे बोलते हैं। मेरा दो शब्द का विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।